हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे आम का जैम, जिसे बनाकर हम लोग कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। इसे आप ब्रेड पे भी लगा सकते हैं, रोटी पराठे में भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके से एक गिलास पानी में एक स्पून जैम डालकर आप उसे बना, जूस जो चाहे वो बनाकर ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। तो आम के जैम के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं कच्चे आम। ये कच्चे आम है, ये अराउंड 1 किलो है, और हमें ऐसे आम को चूज़ करना है जिसमें पल्प ज़्यादा हो। तो मैंने आम को अच्छे से धो के वॉश कर लिया था। उसके बाद अभी मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, कुकर लेकर अभी मैं इसमें सारे आम डाल रही हूँ। आप चाहो तो आम को छिलका उतार कर कट कर कर भी बॉयल कर सकते हैं, बट मैं इन्हें ऐसे ही बॉयल कर रही हूँ। अभी मैंने इसमें पानी डाला है, पानी डाल के इसे 2 विजल आते तक पकाना है, और उसके बाद प्रेशर को अपने आप ठंडा होने देना है। उसके अलावा यह है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 4 इलायची, इसको हम पाउडर बना लेंगे। अब आम एकदम अच्छे से पक गए हैं, इनको मैंने इस तरीके से होल वाले प्लेट में डालकर पानी पूरा निकलने दिया है और अच्छे से ठंडा होने दिया है। अब आम का छिलका आसानी से निकल जाएगा। इस तरीके से आम का छिलका निकाल कर हम लोग इसका पल्प निकाल लेंगे। यहाँ पर आम को पूरी तरीके से ठंडा होने देना ज़रूरी है, और उसमें से पूरा पानी भी निकल जाना चाहिए। अब आप इस तरीके से इसका पल्प उतार लेना, पल्प एकदम आसानी से अब निकल जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आम को ओवर कुक नहीं करना है, अगर ओवर कुक करेंगे तो जैम ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। अब इस तरीके से मैं जितने भी आम बचे हैं उन सब का पल्प निकाल लूँगी। अभी जितने आम हैं उनमें से पूरा पल्प निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। अभी मैं ये मेजरिंग कप से आम का जो पल्प है उसको मैं काउंट कर रही हूँ, मतलब देख रही हूँ कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शक्कर यूज़ करेंगे। वैसे 1 किलो आम में 1 किलो शक्कर लगता है, बट कभी कभी किसी आम में बहुत ज़्यादा पल्प रहता है, किसी में कम, तो शक्कर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए आप इस तरीके से आम का जो पल्प है उसको काउंट कर लेना, या तो कप में या कटोरी में। अब यहाँ पर ये 1 कप पल्प बना है, उसके अलावा ये बाकी का भी मैं सेम इसी तरीके से डालूंगी। अब ये 1 कप से थोड़ा कम है, मतलब 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम लोग शक्कर भी इतना ही यूज़ करेंगे। पहले मैं 1 कप शक्कर डालूंगी, ये 1 कप है, उसके बाद मैं थोड़ा सा और शक्कर डालूंगी, मतलब 1/2 कप और डालूंगी। और यहाँ पे आप शक्कर की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट गुड़ डालने से जो जैम है उसका कलर थोड़ा डार्क दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पे शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी सेम इसी तरीके से कप से काउंट करके डालना है। अब इसे हम लोग लगातार चलाते हुए पकाएंगे, और स्पून से इस तरीके से बीच बीच में अगर आपको कहीं कोई पीसेस दिख रहे हैं तो उसे आप मैश कर लेना। आप इसको एकदम स्मूथ टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट पकाते समय भी एकदम अच्छे से स्मूथ हो जाएगा, पूरे जो थोड़े बहुत पीसेस है वो मैश हो जाएंगे। अभी मैंने बाकी का 1/2 कप शक्कर भी डाला है, और थोड़ा सा शक्कर 2-3 टेबल स्पून जितना मैंने इलायची और दालचीनी को ग्राइंड करते समय यूज़ किया है। अब इसे लगातार चलाते हुए धीमी आँच पर ही पकाना है, नहीं तो ये नीचे कढ़ाई में लग जाएगा। अब इसे हमें मिलाते हुए इस तरीके से तब तक पकाना है जब तक कि ये एकदम गाढ़ा और ट्रांसपेरेंट नहीं होता और इसमें से एकदम अच्छी खुशबू नहीं आती है। अब ये पक गया है, मैं थोड़ा सा निकाल कर प्लेट पे डालकर प्लेट टेस्ट कर रही हूँ। प्लेट के ऊपर डालने के बाद इसे 1-2 सेकंड के लिए मैं साइड में रख रही हूँ, और इसको हमें तब भी बीच बीच में चलाना ज़रूरी है, नहीं तो ये कढ़ाई में लग जाएगा। आप देख सकते ये एकदम गाढ़ा हो गया है, ट्रांसपेरेंट भी हो गया, और पैन में भी उतना नहीं चिपक रहा है। अब आप ये प्लेट में डला हुआ आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा है, मतलब हमारा जैम बनके रेडी है और ये अच्छे से सेट हो रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची और दालचीनी का पाउडर। आप चाहो तो इसमें जायफल भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल इलायची फ्लेवर के लिए जो आपको पसंद है, या बिना कुछ डाले भी सिर्फ आम का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और पका रही हूँ ताकि जो इलायची और दालचीनी का पाउडर है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जैम में एज ए प्रिजर्वेटर नींबू का यूज़ किया जाता है, बट आम अपने आप में खट्टे होते हैं, इसलिए मैंने नींबू का यूज़ नहीं किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये एकदम गाढ़ा हो गया है, अच्छे से सेट हो रहा है, पर इसे हमें ओवर कुक भी नहीं करना है, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगा। अब इस तरीके से कोई भी हमें ग्लास का बॉटल लेना है और उसको अच्छे से धोकर धूप में रखना है ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए, उसके बाद इसको भर के स्टोर करना है।
अगर बॉटल में नमी रहेगी तो जैम ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बॉटल एकदम अच्छे से भर गया है। भरने के बाद हमारा और भी काफ़ी ज़्यादा जैम बचा हुआ है, मतलब 1 किलो आम में अराउंड 0.5 किलो जैम बन के रेडी है। और इसे आप सावधानी से बनाए हों तो 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रिज के बाहर रखकर 4 महीने और फ्रिज में रखकर आप इसे 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अब आप भी ये जैम ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।